मुझे भाई नहीं गॉड फादर बोलते हैं। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, बच्चन पांडे फर्स्ट डे कलेक्शन, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बच्चन पांडे और द कश्मीर फाइल्स। देखो दोस्तों, सेकेंड वीक द कश्मीर फाइल्स और आज फर्स्ट डे बच्चन पांडे। दोस्तों, बच्चन पांडे का बोले तो बॉलीवुड के गलियारों से खबर यही आ रही है कि बच्चन पांडे का कलेक्शन फाड़े के आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 20 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन आ सकती है, क्योंकि आज बहुत बड़ा हॉलीडे था दोस्तों, आपको पता ही है होली। जी हाँ दोस्तों, और पूरी इंडिया में सारे जन छुट्टी पे थे और लोग फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, कुछ लोग तो गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर्स में आए और मूवी देखे, जिसको ऑप्शन थी बच्चन पांडे और द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, दोनों में भर भर के ऑडियंस आई। सबूत के तौर पर मैंने पब्लिक लाइन दिखाई गेटी गैलेक्सी का। गाइज, बच्चन पांडे का 20 करोड़ तो आने का चांस है, लेकिन उससे ज़्यादा आएगी द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और बच्चन पांडे का अभी तक स्क्रीन काउंट सही से, मतलब कि एक आंकड़ा नहीं आ पाया है, फिर भी उसकी अच्छी खासी स्क्रीन मिली ही है। तो दोस्तों, 20 करोड़ ये हो गया। अगर हम द कश्मीर फाइल्स का प्रेडिक्शन करें तो द कश्मीर फाइल्स कम से कम तो दोस्तों 25 से ऊपर ही जाएगा। रियल बता रहा, 28, 27, 26, ये तीन पकड़ के चलो, इतना कोई नहीं रोकेगा द कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन को लेकर। लेकिन दोस्तों, बच्चन पांडे भी कम नहीं है भाई, कम स्क्रीन पर बहुत बड़ा धमाका करने वाली है बच्चन पांडे। कल पता चल जाएगा कि बच्चन पांडे का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना आता है, लेकिन दोस्तों 20 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 20 करोड़ के आसपास आने की चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। तो भौकाल मचा चुकी है बच्चन पांडे। अगर 20 करोड़ आ गया तो जितने भी ट्रोलर्स और हेटर्स थे उसकी सुई से सुई डालने का, सुई धागा लाने का, टागा मार देने का, क्योंकि वो लाइफ टाइम चुप ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कल का कलेक्शन क्या आता है, मतलब कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो आप लोगों की क्या राय, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।